आ सही ना ऊपर हाँ आ सही। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है आज सिवान जिला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, यानी कि भारत रत्न बाबा साहब का जयंती है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर की 132वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। आप सभी हिंदुस्तानवासी को हार्दिक अभिनंदन है। यहाँ पे हमारी टीम पहुँची है सिवान जिला के चिकटोली मोड़ पे। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे कार्यकर्ता लोग हैं, बहुत सारे इस भीम आर्मी के सदस्य हैं। और निवेदक की बात करें समस्त ग्रामीण जनता, अध्यक्ष की बात करें रवि कुमार रंजन जी, कौन है आप हैं रवि कुमार रंजन जी हैं, अध्यक्ष की बात करेंगे। और थोड़ा सा संचालन करता है जो शिव प्रसाद राम सुखल राम जी हैं। और निवेदक वार्ड संख्या 37 और 38 पुरानी किला पोखरा अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति सिवान बिहार। आइए सर, आपका बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं बधाई हो। कि क्या कुछ कहेंगे, आज भारत रत्न बाबा साहब का जयंती है 132वीं, और आप अध्यक्ष हैं, इस कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे हैं। आपके माध्यम से लोगों को यहाँ पे जल अर्पण किया जा रहा है, लोग पानी पिलाया जा रहा है, और इस उपलक्ष्य में आप सभी को हम ढेरों सारी शुभकामनाएं और बहुत सारे चीज़ों को लेकर हम आपको धन्यवाद करना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारे इस कार्यक्रम में आके सफल बनाए। आज 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जयंती है। इस क्रम में हम लोग अपने समाज को पूरा अपने तरफ से यहाँ पानी का, शीतल जल का व्यवस्था कराए हैं, जिससे हमारा पूरा मेरा भ्रमण जो निकला है उसमें सबको शीतल जल बढ़िया से मिल सके। प्रभात फेरी निकला हुआ है, उसी के क्रम में हम लोग निकाले हैं। यहाँ पर सब लोग शीतल जल पिएगा, उसके बाद पूरा टाउन होते हुए घूमते हुए अपना फिर वहाँ दिखा जाता है कि हमारे देश के बाबा साहब यानी भारत रत्न है। और ऐसा रत्न मतलब शायद सदियों में कभी होता है, और अब हमें लगता है कि उस तरह का रत्न अभी जीवन में कभी प्राप्त नहीं हो पाएगा। एक ही है, और मतलब एक सूरज है, उसी तरह सूरज की तरह वो बाबा साहेब हैं। आज उनके विचारों को बहुत सारे लोग मानते हैं, और कुछ थोड़ा सा अप्रिय घटना भी घटी थी, तो इसको लेकर क्या मतलब सरकार से, अपने देशवासियों से, युवाओं से। देखिए, ये किसी धर्म पर दया का ये बाबा साहब नहीं है, सबके हक में बात है। सब जाति के ये बाबा साहेब हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के रत्न हैं। देखिए, कहने का मतलब है ये बाबा साहब जो ये वो महामानव है जो हर धर्म को, हर वर्ग के आदमी को शिक्षा, समानता, सबको शिक्षा का अधिकार दिलाए। यहाँ पर अगर कोई कहे कि बाबा साहब हमारे हैं तो ऐसा नहीं है, बाबा साहब सबके हैं। ये 14 अप्रैल का जो है सबको मिलजुल के अपने हर समाज को मनाना चाहिए, किसी को ना लगे कि बाबा साहब हमारे हैं। देखिए, आज 14 अप्रैल है, 132वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का। और जय भीम, बाबा साहेब अमर रहें, और बाबा साहेब अमर रहें, इस तरह का नारा हमारे जीवन में होना चाहिए। और कहीं ना कहीं नमो बुद्ध है जो हमारे महात्मा गौतम बुद्ध का जो जीवन रहा, उनके दिशा निर्देश पर भीमराव अम्बेडकर जी चले, और कहीं ना कहीं मानवता का धर्म अपना कर मानवता को ऊंचाई तो पहुँचाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। हिंदुस्तान को आज़ादी के रूप में दिलाने का बहुत बड़ा भूमिका निभाया, और आज कहीं ना कहीं हम जिस हक की आवाज की लड़ाई लड़ते हैं, इन्हीं का देन है, इन्हीं का वो मान मर्यादा के वजह से हम लोग आज इस पद पे हैं। क्या कहेंगे आप, इस क्षेत्र में काफी जनप्रतिनिधि के साथ रहते हैं, और कहने का आपका भी विचार काफी लोगों से मिलता है। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। हम लाल बाबू चौधरी हैं जी।
पूर्व नगर पार्षद। जी पूर्व नगर पार्षद भी रह चुके हैं। रह चुके हैं। सर ये बताइए कि आज भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती है 132वीं और बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है और उनको इस जयंती में जिला में प्रभात फेरी निकला हुआ है, आप लोग जन अर्पण का यहाँ व्यवस्था किए हैं, उनको पानी पिलाने का, तो क्या कुछ कहेंगे उसके लिए? उसमें सबसे पहले तो आपको चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद करता हूँ और हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब एक ही सिद्धांत था हिंदुस्तान में कि पढ़ो लिखो शिक्षित बनो, तो ये बाबा साहब का देन है कि आज जो है उन्हीं का संविधान बनाया हुआ है, उन्हीं का कानून बनाया हुआ है, जो हम लोग जो है आज हिंदुस्तान में खुशहाल से सारा जनता खुश है। तो मेरे कहने का मतलब है कि 14 अप्रैल को हम लोग बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जयंती मनाते हैं और धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ हम लोग का जो ये पंडाल लगा है जनता के सेवा के लिए, इसके बाद यहाँ से जाएंगे हम लोग अपने घर के पास, वहाँ बाबा साहब का भी एक जयंती मनाएंगे, उसके बाद हम लोग फिर जाएंगे ये अभी यहाँ हम लोग का पुरानी किला माला में ना। हाँ, वहाँ भी आप लोग कार्यक्रम करेंगे। हाँ यहाँ के बाद जो प्रभात फेरी जो मतलब रैली निकला हुआ है उन लोगों के लिए संबोधित में स्वागत में हम लोग हैं। हाँ चलिए, ये बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं आप लोग कहीं ना कहीं युवाओं को जागरूक करने के लिए, क्या कुछ कहेंगे आप? हम लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ के बाद अपने यहाँ फिर बाबा साहेब का जयंती मनाएंगे, इसके बाद फिर हम लोग मीरगंज मोड़ पर जाएंगे, वहाँ पर भी हम लोग बहुत श्रद्धा के साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जयंती मलानपुर करेंगे और मनाएंगे। यही हम लोग का है कि बाबा साहब का श्रेय है, देन है कि आज हम लोग एक हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम श्री प्रसाद राम। क्या कुछ कहेंगे, आज हमारे देश के रत्न बाबा साहब का जयंती है और साथ ही साथ बहुत सारे हर्षोल्लास के साथ लोग यहाँ पे आए हैं, अपना परिचय बताइए। हम तो कहेंगे भाई 132वीं जयंती पर हम लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं आप लोगों को और यही कहेंगे कि भाई 77 इस संदेश फैलाएं, बाबा साहब का कोई भेदभाव नहीं है, सब मिलजुल कर अपना रहे, पढ़े लिखे। श्री प्रसाद राम। चलिए एक और व्यक्ति जुड़े हुए हैं देश के हित में जिन्होंने अपने आप को निछौर किया, आज वो हमारे दुनिया में नहीं है लेकिन फिर भी उनकी यादें, उनकी बातें, उनके विचार, उनकी जिंदगी की सहालियत आज जिंदा है, जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, यानी कि भारत रत्न से उनकी उपाधि मिली है और ये उपाधि वो भी कम है उनके लिए जो उन्होंने वर्क किया है हिंदुस्तान के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे संविधान के रचयिता हैं, वो भी उनके लिए कम है, उनको जितना हम कह सकते हैं उतना बड़ा उपलब्धि उनको हासिल होगा। क्या कुछ कहेंगे, सबसे पहले अपना परिचय बताइए। सबसे पहले मैं बाबा साहब को नमो बुधाय जय भीम और यहाँ पे तमाम उपस्थित हमारे जितने भी बंधु हैं सभी को मेरे तरफ से नमो बुधाय जय भीम। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज 132वां जन्म दिवस है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और ये संविधान के निर्माता जिन्हें बड़े शिद्दत के साथ, सम्मान के साथ, हम लोग आदर के साथ इस चीज़ को मनाते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं। बाबा साहब का मूल मंत्र था शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित करो और उसके बाद संघर्ष करो, और इसी मूल मंत्र के साथ हम लोग मोहल्ले में चाहे आसपास जितने भी नौजवान हैं सबको हम लोग जागरूक करते हैं ताकि सब लोग पढ़े और आगे बढ़े। आगे बढ़ने का सबसे मूल हथियार है कि जब तक हमारे पास शिक्षा नहीं रहेगी तब तक हम अपने आप को, अपने को नहीं समझ पाएंगे, अपने समाज को नहीं समझ पाएंगे और फिर हमको हमारा डेवलपमेंट रुक जाएगा। और बाबा साहब ने सबसे पहले शिक्षा पे ही जोर दिया था ताकि लोग पढ़ेगा, उस चीज़ को समझेगा और तब जा कर के आगे बढ़ेगा। और इसी के साथ हम लोग क्या किए हैं कि आज उनका 132वां जन्मदिन है तो हम लोग सारे मोहल्लेवासी मिल करके और यहाँ पे कुछ जितने भी हमारे प्रभात फेरी वाले आ रहे हैं उनको सेवा के लिए हम लोग जो विचारधारा आपका, आप किस पद पे हैं, मतलब क्या आपका? मैं एक सुभाष प्रसाद ITI कॉलेज में इंस्ट्रक्टर के पद पे कार्यरत हूँ अभी। मैं अपने जीवन का जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है कहीं ना कहीं इनसे प्रेरणा लेकर लिया है, आज युवाओं को मार्गदर्शन की बहुत जरूरत है, उनके युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने माध्यम से? देखिए हम तो युवाओं के लिए हमेशा ये चीज़ कहना चाहते हैं हमेशा कि बाबू
आप शिक्षा के अलावा आपके पास दूसरा कोई हथियार ही नहीं है। शिक्षा वो सबसे बड़ा वो हथियार है जो हमें आगे बढ़ने में हमको किसी में, बाबा साहब एक शब्द बोले थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। तो शिक्षा यूँ है, हमको जहाँ हर समाज में, हर जगह, हर तबके में, हर ऑफिस में कहीं भी बोलने का मौका देता है ताकि हम अपने शब्दों को कह सकें, रख सकें, उसके अलावा दूसरा मेरे सामने कोई नहीं है। शिक्षा ही सबसे बड़ा चीज़ है और हम हमेशा युवाओं को समझाते हैं, बताते हैं कि भाई आप आइए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ने के लिए सबसे मूल मंत्र है आप शिक्षित होइए, फिर समाज में देखिए कैसे आपका डेवलपमेंट होगा। चलिए जल्दी जल्दी एक बार और हम बात करेंगे, अध्यक्ष साहब जी से आइए, अध्यक्ष कुमार जी हैं, रवि कुमार जी, कहीं ना कहीं आपका जो दिशा निर्देश रहा काफ़ी महत्वपूर्ण है और आज सभी मतलब क्षेत्र के लोगों को एक अनुभूति लग रही है कि आपने जो कार्यक्रम किया काफ़ी शानदार किया। इस कार्यक्रम को लेकर कितनी बड़ी खुशी हो रही है जो आज आपके दिलों में ख्वाहिश थी आज पूरी हो गई है? हमें बहुत खुशी है कि हम अपने समाज को, अपने प्रति जितना बाबा साहब हमको जो ज्ञान दिए हैं कि हम आगे भी और लोगों को ज्ञान दे के बढ़ाएँ, अपने युवा को हम अपने तरफ से प्रेरित करते रहते हैं कि भैया पढ़िए लिखिए, जागरूक होइए, जो बाबा साहब हम लोगों को दे के गए उसी को लेके हमको चलना है। आज प्रभात फेरी निकल रहा है, प्रभात फेरी का टोटल वहाँ से अपना सब साथी समाज आ रहा है, उसी के कार्यक्रम में हम लोग अपने यहाँ जल पिलाने का व्यवस्था जो किए हैं इससे हम लोग। चलिए तो देखिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं रवि कुमार रंजन जी जो अध्यक्ष हैं और संचालनकर्ता शिव प्रसाद राम जी सुगल जी और निवेदक वार्ड नंबर संख्या 37 पुरानी किला पोखरा और तमाम जनजनता यहाँ पे पहुँची हैं और युवा भी हैं, सभी लोग एक समान मिलकर और आइए देखिए फुल अपन करिए और थोड़ा सा आ रहे लोग ना अभी आएगा लोग, लेकिन कहने का मतलब है कि आज हमारा देश जिस ऊँचाई पर है वो सिर्फ भारत रत्न बाबा साहेब के विचारों पे है। हम चाहेंगे कि आप वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने विचारों को व्यक्त करें। धन्यवाद, थैंक यू, नारा लगाइए।